बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर बेटे हम शुरू कर रहे हैं 3, मोशन एंड फोर्स। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे व्हाट इज़ डिस्टेंस। जब भी कोई बॉडी मूव करती है तो उसने जो पाथ कवर किया है, उस पाथ की जो टोटल लेंथ होती है, उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। तो डिस्टेंस के बारे में आपने याद रखना है, एक तो ये टोटल लेंथ ऑफ द पाथ है। अगर बॉडी रेस्ट में होगी तो डिस्टेंस ज़ीरो होगा, लेकिन अगर बॉडी मोशन में है तो डिस्टेंस कभी ज़ीरो नहीं होगा, ये हमेशा ज़ीरो से ज़्यादा होगा। और याद रखो, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसमें नेगेटिव कभी भी नहीं होगा डिस्टेंस, अगर बॉडी मोशन में है। और अगर बॉडी रेस्ट में है तो डिस्टेंस की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। फ़र्ज़ करो, ये मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आ गई है सर्कुलर पाथ में, जिसका रेडियस आर है, तो इसका जो डिस्टेंस बनेगा वो बनेगा पाई आर, क्योंकि यहाँ से जो टोटल डिस्टेंस होता है वो होता है 2πr, लेकिन बॉडी ने उसे आधा पाथ कवर किया है तो उसका डिस्टेंस बन जाएगा पाई आर। एक और क्वेश्चन है, फ़र्ज़ करो एक बॉडी 3 मीटर नॉर्थ की तरफ जाती है, फिर 4 मीटर वेस्ट की तरफ जाती है और 2 मीटर ईस्ट की तरफ जाती है, तो बताओ उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। तो जो जो पाथ है आपने इन सारे पाथ को जमा कर देना है, तो जो आंसर आएगा वही टोटल डिस्टेंस होगा, 3 मीटर और 4, 7 प्लस 2, 9, तो टोटल डिस्टेंस 9 मीटर हो जाएगा। इसका यूनिट मीटर हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन ऑफ द बॉडी है। अगर बॉडी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गई है तो हम कहते हैं बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। बॉडी की पोजीशन में चेंज आएगा तो हम बोलेंगे कि बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट किया है, वगरना हम, अगर बॉडी उसी जगह पे वापस आ जाएगी तो हम कहेंगे बॉडी ने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ। फ़र्ज़ करो इसी केस में बॉडी पॉइंट ए से इस बी पे पहुंच जाती है, तो उसका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा वो ये होगा, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, और इसकी डायरेक्शन इनिशियल से फाइनल की तरफ होगी। अगर आपको पोजीशन वेक्टर्स मालूम हो और आपने उसकी मदद से डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो, मिसाल के तौर पे ये कोई वेक्टर है, इसके यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स हैं 3 और 1 और यहाँ कोऑर्डिनेट्स हैं 4 और 5 और ये डिस्प्लेसमेंट हमने फाइंड करना है, तो आपने क्या करना है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर से फाइनल पोजीशन वेक्टर से इनिशियल पोजीशन वेक्टर को माइनस कर देना है। तो पोजीशन वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, पहले के साथ कोऑर्डिनेट के साथ आई हैट, दूसरे के साथ जे हैट, तो ये पोजीशन वेक्टर बन गया 4i हैट 5j हैट और ये बन गया 3i हैट और 1j हैट, तो टोटल आपका डिस्प्लेसमेंट बना 4i माइनस 3i, ये रह गया आई हैट, 5j हैट माइनस j हैट, ये बन गया 4j हैट, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा अगर आपको दोनों पोजीशन वेक्टर्स मालूम है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स के बराबर होगा। अगर बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गई है और आपने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो आपने देखना है दोनों पॉइंट में जो सबसे कम डिस्टेंस है वो कौन सा है। जो सबसे कम डिस्टेंस है, दैट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और याद रखो, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से या लेस होगा या उसके इक्वल हो सकता है। इक्वल सिर्फ एक ही केस में होगा, अगर बॉडी स्ट्रेट पाथ में जा रही है, तो जितना वो डिस्टेंस कवर कर रही है एक ही डायरेक्शन में, उतना ही उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और अगर बॉडी का पाथ कर्व्ड है तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा होगा। डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है अगर बॉडी मोशन में है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता अगर बॉडी मोशन के अंदर है। यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, एक बॉडी पॉइंट ए से बी पे पहुँची है, तो व्हाट इज़ इट्स डिस्प्लेसमेंट, तो इसका डिस्प्लेसमेंट बनेगा ये वाला, तो ये टोटल लेंथ जो यहाँ से लेके यहाँ तक बनेगी, यहाँ से यहाँ तक ये कितनी बनेगी, ये वाला डिस्टेंस है आर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक डायामीटर बन गया, यानी 2r, तो इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट 2r के इक्वल है। इसी क्वेश्चन में अगर आपने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो तो हम कैसे करते, यहाँ पर उसने कहा 3 मीटर नॉर्थ, तो आप इसको ऐसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ क्वेश्चन की शक्ल में कन्वर्ट कर लो, इस तरफ को आप कंसीडर कर लो आई हैट, इस तरफ को बन गया माइनस आई हैट, इस तरफ को बन गया जे हैट और इस तरफ को बन गया माइनस जे हैट। अब पहले केस में वो कहता है 3 मीटर नॉर्थ, 3 मीटर नॉर्थ का मतलब 3 जे हैट, 4th मीटर वेस्ट
उसका मतलब माइनस फोर आई हैट, टू मीटर ईस्ट उसका मतलब टू मीटर टू आई हैट। तो अब इसका टोटल आंसर आ गया माइनस टू आई हैट प्लस थ्री जे हैट। अगर आपने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो इसके एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस इसके वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, स्क्वायर रूट, और ये आ गया 13, और 13 का आंसर तकरीबन 3.5 आ जाएगा, क्योंकि अगर ये 9 होता तो इसका आंसर आना था 3, अगर ये 16 था तो इसका आंसर आना था 4, और ये उनके तकरीबन मिड में आ रहा है तो इसका आंसर तकरीबन 3.5 के करीब होगा। यहाँ पर मैंने एक और क्वेश्चन बनाया है, पेंडुलम का क्वेश्चन। फर्ज करो इस पेंडुलम का एम्पलीट्यूड है एक्स नॉट। अगर बॉडी ए से बी पे पहुँच गई है तो उसका जो टोटल डिस्टेंस है वो 2x0 है, और उसका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो भी तकरीबन 2x0 ही है। लेकिन अगर बॉडी ए से सी पे पहुंची है तो उसका डिस्प्लेसमेंट एक्स नॉट है, लेकिन अगर यही बॉडी ए से वापस ए पे पहुंच गई है तो उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया तो हम बोलेंगे उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है। जब भी कोई बॉडी जहां से शुरू करे घूम फिर के उसी जगह वापस पहुंच जाए तो हम कहते हैं उसका कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हुआ तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। जैसे ये वाली बॉडी अगर पॉइंट ए पे ही वापस आ जाए ए से शुरू करके तो इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। तो वन रेवोल्यूशन के अंदर टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो, इसी तरह वन वाइब्रेशन के अंदर इसका भी टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। लेकिन हाफ वाइब्रेशन के अंदर अगर मोशन यहां से शुरू हो रही है तो बॉडी यहां से यहां पहुंच जाएगी तो फिर इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट तकरीबन 2x0 हो जाएगा। लेकिन अगर मोशन यहाँ से शुरू हो रही है तो हाफ वाइब्रेशन के अंदर बॉडी यहाँ से यहाँ और फिर इधर आ जाएगी तो उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। तो आपने देखा हाफ वाइब्रेशन में टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है और 2x0 भी हो सकता है। ये डिपेंड कर रहा है कि बॉडी एक्सट्रीम पोजिशन से स्टार्ट ले रही है या बॉडी मीन पोजिशन से स्टार्ट ले रही है। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी। हर सेकंड में बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, दैट इज वेलोसिटी। अगर आप कहते हो कि एक बॉडी है वो मूव कर रही है विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड, तो इसका मतलब है हर सेकंड के अंदर बॉडी 30 मीटर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है हर सेकंड के अंदर। एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं? जब भी आपने एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी होगी तो आप टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम पर डिवाइड कर देंगे तो वो उसकी एवरेज वेलोसिटी बन जाएगी। एवरेज वेलोसिटी या वेलोसिटी इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड। वैसे इसके बहुत सारे यूनिट्स हैं लेकिन सिस्टम इंटरनेशनल में इसका यूनिट मीटर पर सेकंड है। तो आप इसमें यूनिट किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड, मीटर पर मिनट, मिनट मीटर पर डे, किलोमीटर पर आर, किलोमीटर पर मिनट एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे टाइम के यूनिट और बहुत सारे डिस्प्लेसमेंट के यूनिट यूज़ किए जा सकते हैं। लेकिन ऐसा ही यूनिट में डिस्प्लेसमेंट का मीटर है और टाइम का सेकंड है। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें भी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। और इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी वेलोसिटी की? जिधर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है। और डिस्प्लेसमेंट किधर होता है? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ। तो वेलोसिटी भी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ है। जिधर को बॉडी जा रही है उसी डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी होगी। लेकिन अगर बॉडी का पाथ स्ट्रेट ना हो फिर कैसे वेलोसिटी की डायरेक्शन फाइंड करेंगे? बॉडी का पाथ अगर कर्व्ड हो तो आपने किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन लेनी हो तो उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करेंगे तो जो टेंजेंट की डायरेक्शन है वो उस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी। एवरेज वेलोसिटी को फाइंड करने के बहुत सारे फार्मूलाज हैं, ये मैंने लिखे हैं। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट्स गिवन हो और टाइम गिवन हो, मसलन आपको क्वेश्चन इस तरह से आता है कि एक बॉडी ने 50 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है 3 सेकंड में और 60 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है 2 सेकंड में, तो फिर बताओ उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो आपको दो टाइम की वैल्यूज़ गिवन है, दो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज़ गिवन है, तो आप यहाँ पे पुट करके आप उसकी एवरेज वेलोसिटी को फाइंड कर लेंगे। इसी तरह अगर आपको डिस्प्लेसमेंट का ना पता हो, आपको वेलोसिटीज और टाइम के बारे में पता है। फर्ज करो वो कहता है कि पहले 20 सेकंड बॉडी की वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकंड और अगले 10 सेकंड बॉडी की वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकंड, तो अब बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो अब आपको दो टाइम की वैल्यूज़ मालूम है और दो वेलोसिटीज़ की वैल्यूज़ मालूम है, तब आपने ये वाला फार्मूला लगा के एवरेज वेलोसिटी को फाइंड कर लेना है। इसी फार्मूले का एक स्पेशल केस ये वाला फार्मूला है। अगर ये टाइम इंटरवल इक्वल हो, मतलब पहले 10 मिनट में बॉडी की वेलोसिटी 50 है, अगले 10 मिनट में बॉडी की वेलोसिटी 30 है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? तो आपने देखा पहला टाइम भी 10 मिनट, अगला टाइम भी 10 मिनट, तो फिर यही फार्मूला इस शक्ल में बन जाएगा। तो आपने जस्ट दोनों वेलोसिटीज़ को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देना है, 3 होंगे तो तीनों को ऐड करके 3 पे डिवाइड कर देंगे एंड सो ऑन। लेकिन अगर आपको ये तो तब लगाएंगे जब वेलोसिटी और टाइम गिवन होंगे, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटीज़ का पता हो, फर्ज करो वो कहता है पहले 50 मीटर तक बॉडी की वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड थी और अगले 20 मीटर तक बॉडी की वेलोसिटी
20 मीटर पर सेकंड है तो बताओ उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो अब आपको दो वेलोसिटीज की वैल्यूज पता हैं और दो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज पता हैं, तो तब आप ये वाला रिलेशन यूज करेंगे और इसी की मॉडिफाइड फॉर्म ये वाली है, अगर ये दोनों डिस्प्लेसमेंट इक्वल हों। मतलब ऐसे बोले, पहले 50 मीटर में बॉडी की वेलोसिटी 10 है और अगले 50 मीटर में बॉडी की वेलोसिटी 20 है, अब एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो आपने देखा पहले भी डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर है, बाद में भी 50 मीटर है, दोनों डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो यही फार्मूला ये बन जाएगा। आपको जस्ट वेलोसिटीज पुट करनी है तो उससे एवरेज वेलोसिटी फाइंड हो जाएगी। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो बॉडी की मोशन को कम्प्लीटली डिस्क्राइब नहीं करती। एवरेज वेलोसिटी से हमें कम्प्लीटली पता नहीं चल सकता कि बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, और एवरेज वेलोसिटी से हमें ये भी पता नहीं चलता एग्जैक्ट हर केस में कि बॉडी का पाथ किस तरह का है, स्ट्रेट पाथ है या सर्कुलर पाथ है या पैराबोलिक पाथ है। तो इसके लिए हम एक नई वेलोसिटी इंट्रोड्यूस करते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अभी हम उसका जिक्र करते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी। वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी लम्हे पर जो बॉडी की वेलोसिटी है उसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। और जब ये फाइंड करनी होती है तो हम उस फार्मूले के साथ लिमिट लगा देते हैं कि जो टाइम इंटरवल है वो वेरी शॉर्ट है, इतना शॉर्ट है कि अप्रोचिंग टू जीरो। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फार्मूला बन जाता है। मसलन एक बॉडी मूव कर रही है, आप देखना चाहते हैं कि एक मिनट या 5 बजे उसकी वेलोसिटी क्या थी, 5:10 पे वेलोसिटी क्या थी, 5:20 पे वेलोसिटी क्या थी, यानी किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या है, दैट इज़ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और ये वाली वेलोसिटी जो थी ये है, ये मोशन और पाथ को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हेल्पफुल है। कैसे, मैं अभी आपको मिसाल देता हूँ। फ़र्ज़ करो ये पेंडुलम है और ये रेस्ट में है, तो इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगा, और टोटल डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होने की वजह से इसकी एवरेज वेलोसिटी भी ज़ीरो हो जाएगी। इस केस में ये पेंडुलम फर्ज करो मोशन में है, तो 1 वाइब्रेशन के अंदर इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, तो इसकी भी एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो है। अब आप देखो, ये रेस्ट में है, एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो है, ये मोशन में है और एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो है। तो अगर आपको सिर्फ ये बता दिया जाए कि एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो है, तो आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि हम रेस्ट वाली पेंडुलम की बात कर रहे हैं या मोशन वाले पेंडुलम की बात कर रहे हैं। लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन दोनों में आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकती है। कैसे, अगर बॉडी रेस्ट में होगी तो उसकी हर लम्हे वेलोसिटी ज़ीरो होगी, लेकिन अगर बॉडी मोशन में होगी तो किसी एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी ज़ीरो हो सकती है, लेकिन हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होगी। तो अगर हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी ज़ीरो हो तो आप समझ जाएंगे बॉडी रेस्ट में है, लेकिन अगर हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है तो हम समझ जाएंगे कि बॉडी मोशन में है। यहाँ पर एक और एग्जांपल है, फर्ज करो एक बॉडी सर्कल में घूम रही है, तो 1 रेवोल्यूशन के अंदर उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, तो इसका मतलब उसकी एवरेज वेलोसिटी भी ज़ीरो हो जाएगी। और अगर एक बॉडी स्ट्रेट पाथ में जा रही है, इधर गई है फिर वापस आ गई है, यानी एक बंदा है वो टेनिस बॉल से खेल रहा है, तो वो टेनिस बॉल आगे जाती है फिर पीछे आ जाती है, आगे जाती है फिर पीछे आ जाती है, तो उसका भी टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, और एवरेज वेलोसिटी उसकी भी ज़ीरो हो जाएगी। अब अगर एवरेज वेलोसिटी आपको मैं ज़ीरो बता दूं, तो आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि मैं सर्कुलर पाथ की बात कर रहा हूं या स्ट्रेट पाथ की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कंसीडर करें तो वो इनमें आसानी से डिस्टिंग्विश करेगी। कैसे, अगर बॉडी सर्कल में मूव कर रही होगी तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन हर इंस्टेंट पे चेंज हो रही होगी और वो अलोंग द टेंजेंट होगी। लेकिन अगर बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही होगी तो बॉडी की डायरेक्शन हर इंस्टेंट पे सेम होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इजीली डिस्टिंग्विश कर सकती है कि बॉडी का पाथ सर्कुलर है या बॉडी का पाथ स्ट्रेट है। एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सिर्फ एक ही सिचुएशन में इक्वल हो सकते हैं, इफ़ बॉडी इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इफ़ वेलोसिटी इज़ यूनिफॉर्म तो एवरेज वेलोसिटी भी जो होगी उतनी ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी होगी, ये बात आप याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। व्हाट इज़ एक्सेलरेशन? तो डेफिनेशन तो सबको याद होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। लेकिन हम एक्सेलरेशन का मीनिंग समझते हैं कि बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन पैदा हुआ है, इसका मतलब क्या है। उससे पहले एक्सेलरेशन का, एवरेज एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होगा, टोटल चेंज इन वेलोसिटी को टोटल टाइम पे डिवाइड कर देंगे।
तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एवरेज वेलोसिटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल चेंज इन वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टोटल टाइम। अब मैं आपको एक्सेलरेशन का मतलब सिखाता हूँ कि एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है। आपने ये जी की वैल्यू अक्सर, ठीक है, ये बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं ये जी की वैल्यू, और तकरीबन 10 मैंने लिख दी है, और जब भी आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसको तकरीबन 10 लेके ही सॉल्व किया करेंगे ज़्यादातर। तो ये जी हम अक्सर 10 लिखते हैं, तो इस 10 का मीनिंग क्या होता है? इस 10 का मीनिंग ये है कि जब भी कोई बॉडी अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव करेगी तो हर सेकंड के अंदर उसकी वेलोसिटी कितनी चेंज होगी, ये मतलब होता है एक्सेलरेशन का। हर सेकंड में बॉडी की वेलोसिटी में कितना चेंज पैदा होना है, दैट इज एक्सेलरेशन। तो अगर हम कहते हैं कि ग्रेविटी का एक्सेलरेशन 10 है, तो इसका मतलब हर सेकंड में बॉडी की वेलोसिटी 10 बढ़ती जाएगी। और अगर ये -10 है, तो इसका मतलब हर सेकंड में बॉडी की वेलोसिटी 10 कम होती जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर एक बॉडी फॉल करती है, तो शुरू में इसकी वेलोसिटी है 0, तो एक सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी 10 हो जाएगी, 2 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी 20 हो जाएगी, 3 के बाद 30, 4 के बाद 40, 5 के बाद 50 एंड सो ऑन। और अगर मैं इसको ऊपर फेंकता हूँ, फर्ज करो मैं इसको ऊपर फेंकता हूँ विद 40 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से, अब ऊपर फेंकेंगे तो जी नेगेटिव कंसीडर करेंगे, मतलब हर सेकंड में 10 वेलोसिटी कम होती जाएगी। तो अगर अभी 40 है तो 1 सेकंड के बाद 30 रह जाएगी, 2 सेकंड के बाद 20 रह जाएगी, 3 के बाद 10 रह जाएगी और 4 के बाद 0 हो जाएगी, बॉडी रुक जाएगी, मैक्सिमम हाइट पर पहुँच जाएगी। तो ये एक्सेलरेशन का मतलब है, हर सेकंड के अंदर बॉडी की वेलोसिटी में कितना चेंज आएगा, दैट इज़ एक्सेलरेशन। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी और इसकी डायरेक्शन अक्सर बच्चे समझते हैं, इसकी डायरेक्शन वही है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है यानी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, तो आंसर गलत है। इसकी डायरेक्शन वेलोसिटी की तरफ हो सकती है लेकिन हमेशा होना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर मैंने चंद केसेस बनाए हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। और याद रखो इसकी डायरेक्शन हमेशा किस तरफ है, जिस तरफ को फोर्स एक्ट करती है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पैदा होता है। अब फोर्स वेलोसिटी के पैरेलल भी हो सकती है, फोर्स वेलोसिटी के एंटी पैरेलल भी हो सकती है, फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर भी हो सकती है, और फोर्स वेलोसिटी के साथ कोई एंगल थीटा भी बना सकती है। तो इसका मतलब जिधर फोर्स होगी उधर ही एक्सेलरेशन होगा। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन वेलोसिटी के पैरेलल भी हो सकता है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी के एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं, एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर या किसी भी और एंगल पे भी हो सकते हैं जिस एंगल पे फोर्स वेलोसिटी के साथ मौजूद है। जैसे यहाँ पर मिसाल है कि अगर बॉडी इस तरफ को जा रही है और ये उसकी वेलोसिटी है, और आप इस पे फोर्स भी धक्का भी इधर को ही लगा देते हो, अब फोर्स वेलोसिटी के पैरेलल हो गई है, तो जिधर को फोर्स लगी है एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में पैदा होगा। इस केस में बॉडी की वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो अगर बॉडी की वेलोसिटी बढ़ रही है तो आप समझ जाओगे कि फोर्स और वेलोसिटी पैरेलल है या एक्सेलरेशन और वेलोसिटी पैरेलल है, लेकिन फोर्स और एक्सेलरेशन तो हमेशा ही पैरेलल रहेंगे, ये कभी भी किसी और एंगल पे नहीं आएंगे। अगर मैं आपको सिर्फ ये बता दूं एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, तब भी उसका मतलब ये है कि हर सेकंड में बॉडी की वेलोसिटी बढ़ रही है, यानी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी पैरेलल है और फोर्स और वेलोसिटी भी पैरेलल है। फर्ज करो मैं कार ड्राइव कर रहा हूं और मेरी कार की वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, तो वेलोसिटी बढ़ने का मतलब है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो जो एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में पैदा हो रहा है, और जो फोर्स लग रही है वो भी वेलोसिटी के पैरेलल में लग रही है। दूसरा केस देखो, अगर बॉडी इस तरफ जा रही है लेकिन फोर्स उसके ऑपोजिट में लग रही है, बॉडी इधर जा रही है धक्का पीछे को लगा रहे हैं, तो अब क्या होगा, फोर्स वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कम होना शुरू हो जाएगी, वेलोसिटी स्लो डाउन होना शुरू, बॉडी स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगी, वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाएगी। अब फोर्स ऑपोजिट है तो एक्सेलरेशन भी वेलोसिटी के ऑपोजिट ही होगा और फोर्स के हमेशा पैरेलल होगा। अब इस केस में क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है तो हम एक्सेलरेशन को नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो अगर मैं आपको ये बता दूं कि वेलोसिटी कम हो रही है या किसी भी बॉडी की वेलोसिटी कम हो रही है, तो व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, तो एंगल इनमें हो जाएगा 180 डिग्री, और अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो दोनों में एंगल हो जाएगा 0 डिग्री। अब एक तीसरा केस है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, अगर बॉडी मूव कर रही है विद सम वेलोसिटी वी और उस पर जो फोर्स लगती है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगती है, अब क्या होगा, अब एक्सेलरेशन भी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाएगा, लेकिन अब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, यानी गाड़ी ना तेज़ होगी ना स्लो डाउन होगी, जस्ट उसके पाथ चेंज होगा, उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, ओनली डायरेक्शन चेंजेस। तो वेलोसिटी बढ़ेगी कब, जब फोर्स उसके पैरेलल हो या एक्सेलरेशन उसके पैरेलल हो। वेलोसिटी कम कब होगी, जब फोर्स एंटी पैरेलल हो या एक्सेलरेशन उसके एंटी पैरेलल हो। और वेलोसिटी की डायरेक्शन सिर्फ कब चेंज होगी, जब
फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो या एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो। लेकिन अगर फर्ज करो जो फोर्स है वो वेलोसिटी के साथ कोई थीटा एंगल बना रही है, तो अब फोर्स के दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे। एक कंपोनेंट जो वेलोसिटी के पैरेलल होगा, जो उसके या एंटी पैरेलल होगा, जो उसके मैग्नीट्यूड को कम या ज़्यादा करेगा, और दूसरा कंपोनेंट जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, जो उसकी डायरेक्शन को चेंज करेगा। इसका मतलब आप बॉडी के अंदर दोनों चेंजेस पैदा होंगी, उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा और उसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी। याद रखो एक्सेलरेशन दो तरह से पैदा होता है, अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाए तब भी एक्सेलरेशन पैदा होता है, और अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए तब भी एक्सेलरेशन पैदा होता है। तो यानी एक्सेलरेशन दो तरह से प्रोड्यूस किया जा सकता है, उसकी डायरेक्शन को चेंज करके और उसके मैग्नीट्यूड को चेंज करके। और अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसमें एक्सेलरेशन जीरो है, या अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो इसका मतलब वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है, ना उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है और ना ही उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज आ रहा है। ये तो था एक्सेलरेशन का थोड़ा कॉन्सेप्ट। और एक्सेलरेशन का मतलब आप अच्छी तरह से याद रखो, एक्सेलरेशन का मतलब है हर सेकंड में कितनी वेलोसिटी के अंदर चेंज पैदा हो रही है। इक्वेशन ऑफ मोशन, आपने ये इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी हुई है, बस इनमें थोड़ा सा अप्लाई करने का कॉन्सेप्ट है कि आप इनको कैसे अप्लाई करते हैं। अक्सर बच्चे इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो उनको पता नहीं चलता यहाँ पर कौन सी इक्वेशन को यूज़ करना चाहिए, तो ये थोड़ा सीखते हैं। ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम। ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन एंड टाइम। और ये थर्ड इक्वेशन है, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी। टोटल पांच वेरिएबल्स है हमारे पास, पांच चीज़ें, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन एंड टाइम। तो पांच चीज़ें हैं, तो आप देखो हर इक्वेशन में चार चार चीज़ें आ रही हैं। हर इक्वेशन में दो चीज़ें ऐसी हैं जो सब इक्वेशन में आ रही हैं, कौन सी, इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, वो सब इक्वेशन में मौजूद हैं। तो यानी इसकी इन्फॉर्मेशन तो लाजमी हमारे पास होनी चाहिए, या तो ये फाइंड करने के लिए गिवन हो या फिर इसकी वैल्यू गिवन हो हमें। इस इक्वेशन में क्या चीज़ मिसिंग है, डिस्टेंस नहीं है उन पाँचों में से। तो अगर आपको डिस्टेंस का नॉलेज ना हो तो आपने इनमें से कोई भी चीज़ फाइंड करनी हो तो आपको फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करनी चाहिए। आपको डिस्टेंस की वैल्यू नहीं बताई और बाकी सारी वैल्यूज़ आपको बता दी गई हैं और कोई एक चीज़ मिसिंग है इनमें से, बेशक वो इनिशियल वेलोसिटी मिसिंग है या फाइनल वेलोसिटी मिसिंग है या एक्सेलरेशन या टाइम मिसिंग है, लेकिन आपके पास डिस्टेंस का कोई नॉलेज नहीं है तो आपको फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास फाइनल वेलोसिटी का कोई नॉलेज नहीं है तो इनमें से आप कोई एक मिसिंग हो तो उसको फाइंड कर सकते हैं। इसमें आप देखो फाइनल वेलोसिटी मौजूद नहीं है, इसमें टाइम मौजूद नहीं है। अगर आपके पास टाइम का नॉलेज नहीं है तो आप इनमें से किसी भी एक चीज़ को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आपको वो बाकी सारी चीज़ें बता देता है, और फर्ज करो वो आपको डिस्टेंस फाइंड करने के लिए कहता है लेकिन आपको वो टाइम की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता, तो आपको थर्ड इक्वेशन यूज़ करनी चाहिए। बाकी वो डाटा क्वेश्चन के अंदर कंप्लीट होगा और उसको देखते हुए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये इक्वेशन हम हर मोशन पे अप्लाई नहीं कर सकते, इसके लिए कुछ रेस्ट्रिक्शन है, कुछ लिमिटेशंस हैं इसकी। क्या, एक तो ये सिर्फ एप्लीकेबल है लीनियर मोशन पे। अगर बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तभी हम इन इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे वेक्टर्स हैं। आप देखो वेलोसिटी वेक्टर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, लेकिन हमने किसी पे भी वेक्टर का कोई साइन इंट्रोड्यूस नहीं किया। जब भी वेक्टर्स एक ही लाइन में होते हैं तो हम उनको स्केलर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, स्केलर की तरह ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखो कि इन सब वेक्टर्स को हम स्केलर की तरह डील कर रहे हैं, और उसके लॉजिक यही है कि ये सिर्फ लीनियर मोशन के लिए एप्लीकेबल है, और कोई भी कर्व पाथ में मोशन हो रही हो तो उस पर हम ये अप्लाई नहीं कर सकते। सर्कुलर मोशन पे, पैराबोलिक पाथ है, तो उन सब में ये हम इक्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते। नंबर टू, ये मोशन तब अप्लाई कर सकते हैं व्हेन एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म या कांस्टेंट। जब आपका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है, हर सेकंड में वेलोसिटी इक्वली चेंज नहीं हो रही, तो तब आप ये वाली इक्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते। फर्ज करो बॉडी की वेलोसिटी पहले सेकंड में 10 चेंज हुई है, अगले सेकंड में 8 चेंज हुई है, अगले सेकंड में 6 चेंज हुई है। अब आप देखो हर सेकंड में वेलोसिटी में इक्वल चेंज नहीं आ रहा, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है, तब हम ये वाली इक्वेशंस को अप्लाई नहीं कर सकते। जी बेटे, एक बात नोट करो, वेक्टर क्वांटिटीज विच आर ऑपोजिट टू इनिशियल वेलोसिटी आर टेकन नेगेटिव। हर वो वेक्टर क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन मोशन के दौरान इनिशियल वेलोसिटी के ऑपोजिट है, उन सब के साथ हम नेगेटिव साइन लगाएंगे।
और जो इनिशियल वेलोसिटी के पैरेलल होगी उनके साथ उनको हम पॉजिटिव लिखेंगे। अक्सर ये बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि इक्वेशन लगाते हुए उनको ये समझ नहीं आ रहा कि हमने किस किस क्वांटिटी को पॉजिटिव रखना है और किस किस को नेगेटिव रखना है। आमतौर पर वो यही समझते हैं कि ऊपर को जी नेगेटिव होता है, नीचे को जी पॉजिटिव होता है। सिर्फ जी के साथ ऐसा नहीं है, और भी जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं सबके साथ ऐसे है। अगर आपकी इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड है तो आपको पता है ग्रेविटी का एक्सेलरेशन तो हमेशा डाउनवर्ड है, और फर्ज करो ये बॉडी ऊपर से जाके नीचे आती है तो इसका जो टोटल डिस्टेंस है वो भी डाउनवर्ड हो जाएगा, और इस पर जो ग्रेविटी की फोर्स लग रही है वो भी डाउनवर्ड है। अब ये तीनों चीज़ें इस केस में इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट हैं, तो हम इन तीनों को नेगेटिव लिखेंगे। लेकिन इस केस में आप देखो कि इनिशियल वेलोसिटी डाउनवर्ड है और बॉडी ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो भी डाउनवर्ड है, और जो ग्रेविटी का एक्सेलरेशन है वो तो हमेशा डाउनवर्ड है, और जो ग्रेविटी की फोर्स है वो भी डाउनवर्ड है। तो अब ये तीनों की डायरेक्शन वही है जो इनिशियल वेलोसिटी की है, तो इस केस में हम तीनों के साथ पॉजिटिव का साइन लगाएंगे। तो जब भी आपने इक्वेशन अप्लाई करनी है तो आपने कुछ क्वांटिटीज़ को पॉजिटिव लिखना है और कुछ को नेगेटिव लिखना है। कौन सी पॉजिटिव लिखी जाएंगी जो इनिशियल वेलोसिटी के पैरेलल में आ रही हैं वो सब पॉजिटिव होंगी, और जो इनिशियल वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में आ रही होगी वो नेगेटिव लिखेंगे। अब हम जिक्र करते हैं मोशन अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी। अगर कोई भी बॉडी फॉल करती है या ड्रॉप की जाती है या रिलीज़ की जाती है तो इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है। जैसे ये मार्कर है तो मैं इसको यहाँ से रिलीज़ कर देता हूँ या ड्रॉप कर देता हूँ, तो जब मैंने छोड़ा था तो उस वक्त इसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो थी। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो थी, और जब वेलोसिटी शुरू हुई तो उसकी डायरेक्शन किस तरफ थी? डाउनवर्ड। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो भी डाउनवर्ड है, तो इसलिए ये इसकी डायरेक्शन वही होगी जब वेलोसिटी स्टार्ट होगी जो उसकी डायरेक्शन थी, तो इसलिए इसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ये है, इसमें आप इनिशियल वेलोसिटी जीरो कर दो और एक ही जगह जी लिख दो तो आपके पास फाइनल वेलोसिटी का फार्मूला जी टी बन जाएगा। यानी एक सेकंड के बाद इसकी वैल्यू 10 अगर कंसीडर करें तो एक सेकंड के बाद इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी, दो के बाद 20, तीन के बाद 30, चार के बाद 40 एंड सो ऑन। तो बॉडी को जितना टाइम नीचे लगेगा उतनी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, टाइम बढ़ता जाएगा वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। अगर इन दोनों में ग्राफ बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, टाइम डबल कर देंगे तो वेलोसिटी भी डबल हो जाएगी एंड सो ऑन। फार्मूला जब आपके पास बन जाए तो जो मैंने फार्मूला से क्वेश्चन बनना सिखाए हैं वो तो अंडरस्टूड बात है, ठीक है। वो लेक्चर आप बार बार देखो जो फर्स्ट लेक्चर है आपका, कि फार्मूलाज से कैसे क्वेश्चंस जो आएंगे उनको सॉल्व किया जाता है। इसके बाद सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी? सेकंड इक्वेशन ये है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो इसको अगर जीरो कर दें तो ये फार्मूला बन जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। तो अगर मैं डिस्टेंस और टाइम में ग्राफ बनाऊंगा तो पैराबोला बनेगा, अगर टाइम डबल हो जाएगा किसी भी बॉडी के फॉल करने का तो उसका जो डिस्टेंस कवर्ड है वो 4 times हो जाएगा। तो अगर हमने टाइम को डबल करना हो तो हमें उसका डिस्टेंस 4 times ज़्यादा करना पड़ेगा, टाइम को ट्रिपल करना हो तो हमें डिस्टेंस को 9 times ज़्यादा करना पड़ेगा एंड सो ऑन। तो अगर आपको टाइम मालूम हो तो आप ये बता सकते हैं कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है या बॉडी कितनी हाइट से फॉल कर रही है, और अगर आपको हाइट पता है तो इस फार्मूले से आप फाइंड कर सकते हैं कि बॉडी को नीचे आने में कितना टाइम लग सकता है। इसमें अगर आपको टाइम पता है तो आप बता सकते हैं बॉडी किस वेलोसिटी से पहुंचेगी, और अगर आपको ये पता है कि बॉडी किस वेलोसिटी से पहुंची है तो आप बता सकते हैं कि बॉडी को नीचे आने में कितना टाइम लग गया होगा। इस इक्वेशन में इनिशियल वेलोसिटी अगर जीरो कर दें तो फाइनल वेलोसिटी का ये फार्मूला बन जाएगा। अगर आपको हाइट पता है या डिस्टेंस पता है तो आप उसे फाइनल वेलोसिटी बता सकते हैं, और अगर आपको फाइनल वेलोसिटी पता है तो आप उसे हाइट या डिस्टेंस की वैल्यू बता सकते हैं। अगर हम फाइनल वेलोसिटी और हाइट में ग्राफ बनाएं तो वो भी पैराबोला होगा जो कि डिस्टेंस की तरफ को बेंड होगा, उसकी पावर कम है तो जो रूल मैंने आपको सिखाया था उसके अकॉर्डिंगली उसकी तरफ ये बेंड होगा। डिस्टेंस कवर्ड इन टी टाइम, अगर आपने फाइंड करना हो किसी भी टी टाइम में बॉडी जो फॉल कर रही है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, मतलब 2 seconds में कितना डिस्टेंस कवर किया है, 3 minutes में कितना किया है, 4 minutes में कितना किया है एंड सो ऑन। तो ये उसके लिए एक शॉर्टकट फार्मूला है 5t2। आपको टाइम पता है 1 second में कितना डिस्टेंस कवर करेगी 5 meters, 2 seconds में कितना करेगी 2 square 4 into 5 20 meters, 3 seconds में कितना करेगी 3 square 9 into 5 45 meters, 4 seconds में करेगी 4 square 16 into 5 80 meters एंड सो ऑन। तो अगर आपने फाइंड करना हो कि टी टाइम के अंदर कितना डिस्टेंस बॉडी ने कवर किया है, ठीक है, तो ये वाला फार्मूला आप यूज़ किया करेंगे। लेकिन अगर आपको सवाल इस तरह से पैदा हो कि बॉडी ने 2 seconds में कितना डिस्टेंस कवर किया है या 3 seconds में कितना डिस्टेंस कवर किया है या 9th second में कितना डिस्टेंस कवर किया है, ये दोनों बातें मुख्तलिफ हैं। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि आपने 3 lectures में कितना पढ़ा है और 3rd lecture में कितना पढ़ा है,
तो यहां पर ये बात कर रहे हैं कि फर्ज करो तीसरे सेकंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो यहां पर आपने एन की जगह जिसका फाइंड कर रहे हैं वही पुट कर लेना है। फर्ज करो आपने फाइंड करना है तीसरे सेकंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो एन की जगह 3 लिख देंगे, 10 × 3 = 30, 30 - 5 = 25 मीटर तीसरे सेकंड के अंदर बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया। चौथे सेकंड में कितना किया होगा, 10 × 4 = 40 - 5 = 35 मीटर उसने चौथे सेकंड के अंदर डिस्टेंस कवर किया, एंड सो ऑन। तो ये दो फार्मूलाज इंपॉर्टेंट हैं, ये याद रखिएगा। अगर बॉडी को अपवर्ड थ्रो किया जाए, अब तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, अब तो हम उसको वेलोसिटी दे रहे हैं, ठीक है। अब इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड है, लेकिन ग्रेविटी का एक्सेलरेशन वो तो डाउनवर्ड है, तो जो इनिशियल वेलोसिटी के ऑपोजिट होगा वो नेगेटिव लिखा जाएगा। लेकिन अगर ये बॉडी ऊपर जा रही है, इसकी हर सेकंड में 10 वेलोसिटी कम होती जा रही है, तो मैक्सिमम हाइट पर जब ये पहुंचेगी तो इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। मैक्सिमम हाइट पर इसकी वेलोसिटी जीरो हो चुकी होगी, तो एट मैक्सिमम हाइट इट्स वेलोसिटी जीरो। तो अगर इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन के मुताबिक ये जीरो हो गया, ये माइनस जी टी है, ये उधर जाके प्लस हो गया, तो वी आई इज इक्वल टू जी टी। इसमें अगर पुट करें तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है और ये माइनस जी लिखेंगे तो ये वाला फार्मूला बन जाएगा, और अगर इसमें पुट करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी जीरो है तो ये माइनस जी है, तो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो वी आई का आंसर यही आ जाएगा। तो आपने देखा फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटीज के फार्मूलाज तो सेम है, लेकिन ये तब है जब बॉडी को अपवर्ड थ्रो करेंगे और बॉडी मैक्सिमम हाइट तक चली जाए, ये उन केसेस के फार्मूलाज है, ये आप ख्याल रखिएगा। तो ये मोशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी के क्वेश्चंस, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काइनेमेटिक्स में, मोशन वाले चैप्टर में, तो इनको आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। अब हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की तरफ चलते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वजाहत करता है कि बॉडी की वेलोसिटी, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट किस तरह चेंज हो रहा है विद टाइम। इलस्ट्रेट द वेरिएशन इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी विद टाइम। टाइम के साथ बॉडी का डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, हर सेकंड में इक्वल बढ़ रहा है, अनइक्वल बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो जो ग्राफ इस चीज़ की वजाहत करता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का नाम देते हैं। तो फ़र्ज़ करो ये हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो अगर हमने पता लगाना है कि इस ग्राफ की स्लोप किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, तो मैंने आपको सिखाया था स्लोप फाइंड करने के लिए इस क्वांटिटी को आप इस क्वांटिटी पे डिवाइड करके देखो, तो ये बन गया डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, दैट इज वेलोसिटी। तो स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स द वेलोसिटी। अगर तो लाइन सीधी है तो इसकी जो स्लोप है वो एवरेज वेलोसिटी बताएगी, और अगर लाइन कर्व्ड होगी तो किसी एक पॉइंट पे हमें टेंजेंट ड्रा करके उसकी स्लोप फाइंड करनी पड़ेगी, तो वो हमें बताएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इस ग्राफ की स्लोप वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन अगर मैं कहूँ इस ग्राफ का एरिया किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, तो मैंने आपको कहा था इन क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि वो किस तरह की क्वांटिटी बन सकती है। तो यहाँ पर आप देखो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का प्रोडक्ट आ रहा है, और ऐसी कोई क्वांटिटी हमने नहीं पढ़ी जो कि डिफाइन की जाए एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। तो इसका मतलब इसका एरिया किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता। इसके बाद ये चंद मैंने इसकी एग्जांपल्स बनाई हैं, यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। जैसे ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो आप देखो टाइम गुजर रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, तो इसका मतलब बॉडी एट रेस्ट है। और इसकी स्लोप कितनी है, जीरो, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसका एंगल जीरो है, तो इसकी स्लोप जीरो, तो इसकी स्लोप जीरो, तो इसकी वेलोसिटी भी जीरो, तो इसका मतलब ये बॉडी रेस्ट की फॉर्म में मौजूद है। और अगर इसकी वेलोसिटी जीरो है तो इसका एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। इस केस की बात करते हैं यहाँ, बल्कि इसको हम एंड पे देखेंगे। इस केस में आप देखो ग्राफ सीधी लाइन है, ग्राफ सीधी लाइन है तो इसका एंगल कांस्टेंट है, न बढ़ रहा है न कम हो रहा है। अगर इसका एंगल फिक्स है तो इसका मतलब इसकी स्लोप कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी को। तो इस केस में वेलोसिटी कांस्टेंट है, न बढ़ रही है न कम हो रही है। इस केस में देखते हैं, आप देखो इस केस में ग्राफ ऐसे ऊपर को बेंड हो रहा है, तो इस ग्राफ की स्लोप बढ़ती जा रही है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ऐसे आप ड्रा करें तो एंगल आप देखो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, तो इसकी स्लोप बढ़ रही है और ये ग्राफ ऊपर जा रहा है। ऊपर जा रहा है मतलब डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो डिस्टेंस बढ़ रहा है वो हमें यहाँ से पता चला कि क्योंकि ये ग्राफ ऊपर को जा रहा है, ऊपर को डिस्टेंस बढ़ रहा है। लेकिन इसमें वेलोसिटी भी बढ़ रही है, वो कैसे पता चली, क्योंकि इस ग्राफ की स्लोप वेलोसिटी है, तो इस ग्राफ की स्लोप बढ़ रही है तो इस केस में वेलोसिटी भी बढ़ रही है। और अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो इसमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, और जो फोर्स होगी वो वेलोसिटी के पैरेलल में लग रही होगी, और जो एक्सेलरेशन होगा वो भी वेलोसिटी के पैरेलल में होगा। इस केस में आप देखो ग्राफ में डिस्टेंस तो बढ़ रहा है क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है,
ठीक है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, ग्राफ ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब डिस्टेंस बढ़ रहा है, लेकिन इस ग्राफ की स्लोप कम हो रही है। स्लोप कम होने का मतलब इसकी वेलोसिटी हर सेकंड में कम हो रही है, और वेलोसिटी कम होने का मतलब इसका एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा, और एक्सेलरेशन वेलोसिटी के एंटी पैरेलल है, यानी फोर्स भी वेलोसिटी के एंटी पैरेलल में लग रही है जो उसका मैग्नीट्यूड कम करती जा रही है। इस केस में आप देखो ये ग्राफ ऐसे नीचे को आ रहा है, यानी यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा था, बाद में कम हो गया और कम हो गया और कम हो गया और कम हो गया, इसमें डिस्टेंस कम हो रहा है, यानी बॉडी फर्स्ट करो ऊपर से नीचे फॉल कर रही है, तो और डिस्टेंस हम ज़मीन के लिहाज से ले रहे हैं, तो ऊपर से जब वो नीचे आ रही है तो उसका जो डिस्टेंस है अर्थ और बॉडी के दरमियान वो कम हो रहा है, तो ये ग्राफ इस तरह का बनेगा। लेकिन आप देखो इस ग्राफ की स्लोप बढ़ रही है, यहाँ पर स्लोप ज़ीरो थी, यहाँ पर स्लोप ज़्यादा हो गई और ज़्यादा होगी एंड सो ऑन, तो इसका मतलब इस केस में वेलोसिटी बढ़ रही है लेकिन डिस्टेंस जो है वो अर्थ और बॉडी के दरमियान कम होता जा रहा है। अगर इस तरह का ग्राफ हो तो यहाँ पर आप देखो ये दो ग्राफ का कम्बिनेशन है, ये वाले ग्राफ का और ये वाले ग्राफ का। अगर हम बात करें ए से बी तक, तो आप देखो ए से बी तक स्लोप कांस्टेंट है, तो ए से बी तक बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, लेकिन बी से सी तक आप देखो स्लोप जीरो है, इसका मतलब बी से सी तक वेलोसिटी जीरो हो गई है और बॉडी रेस्ट में आ गई है। और अगर हम बात करें सी से डी तक, तो आप देखो डिस्टेंस कम हो रहा है लेकिन स्लोप कांस्टेंट होने की वजह से वेलोसिटी फिर से क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो ए से बी तक वेलोसिटी कांस्टेंट है, बी से सी तक वेलोसिटी जीरो है, और सी से डी तक वेलोसिटी फिर से कांस्टेंट हो जाएगी। ये मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, फर्ज करो ये दो ग्राफ हैं और आपको कहा जाता है कि वेलोसिटीज में रेशो फाइंड करो, वी वन रेशो वी टू। अब आपको यहाँ पर देखो एंगल गिवन है, तो वेलोसिटी इस ग्राफ से कैसे निकलेगी, स्लोप ऑफ द ग्राफ। लेकिन अगर एंगल मालूम हो तो हम स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, टेन ऑफ थीटा। तो पहले ग्राफ का एंगल कौन है, 30, तो हम करेंगे इसको टेन ऑफ 30। दूसरे ग्राफ का एंगल कौन है, 45, तो हम इसको करेंगे टेन ऑफ 45। टेन ऑफ 30 होता है 1/√3 और टेन ऑफ 45 1 है, तो इसकी रेशो 1/√3 आ जाएगी। ये मैंने एक और क्वेश्चन लिया है, ये तीन ग्राफ बने हुए हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो वो कहता है किस की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है, तो जिसकी स्लोप सबसे ज़्यादा होगी उसकी वेलोसिटी भी सबसे ज़्यादा होगी। तो आप देखो इस ग्राफ में स्लोप किसकी सबसे ज़्यादा है, जिसका एंगल सबसे ज़्यादा है, और वो कौन है, 3, तो इसका मतलब इसमें V3 सबसे ज़्यादा है, और उससे कम एंगल किसका है, 2 का, तो इसका मतलब V2 उससे कम है, और सबसे थोड़ा एंगल यानी सबसे कम स्लोप किसकी है, 1 की, तो सबसे कम वेलोसिटी V1 हो गई। इसी तरह अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ भी आप देखो क्वेश्चन है कि ये ग्राफ दिया हुआ है और इसे आप एवरेज वेलोसिटी फाइंड करो या वेलोसिटी फाइंड करो। तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए इस ग्राफ की हमें क्या फाइंड करनी पड़ेगी, स्लोप। अब अगर वैल्यूज मालूम हो, एंगल मालूम ना हो, तो स्लोप निकालने के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था, वेलोसिटी किसके बराबर होगी, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब आप यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रा कर लोगे, ये आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया और ये टोटल टाइम हो गया, तो ये वाली वैल्यू आप देखो कितनी है, 60, और ये टाइम कितना है, 15, तो इसका आंसर आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। आप यहाँ ये वाली ट्राइंगल भी कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ से भी आप आंसर फाइंड कर सकते हैं, 40/10, आप ये वाली ट्राइंगल बना सकते हैं, और इधर से भी आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, 20/5। हर केस में आंसर आप देखोगे वही आएगा, यानी इसकी स्लोप क्या है, कांस्टेंट है, और हर लम्हे वेलोसिटी की वैल्यू सेम होगी, यानी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अब हम इस ग्राफ की तरफ मूव करते हैं। अगर एक बॉडी को अपवर्ड थ्रो किया जाए, ये बुक पे एक ग्राफ बना भी हुआ है, ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ये याद रखना है। अगर बॉडी को अपवर्ड थ्रो किया जाए तो उसके डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ इस तरह का बनेगा। आप देखो इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट बनाएं तो उसका एंगल ज़्यादा है, इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट बनाएं तो वो एक्स के पैरेलल हो गया, और इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रा करें तो वो ये बना। अब आप देखो ये वाला एंगल भी ज़्यादा है। अब आप देखो ये एंगल मैक्सिमम है, ये भी मैक्सिमम है, इसका मतलब इन दोनों पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। कहाँ कहाँ पे, जब बॉडी थ्रो करेंगे तब, और जब वो वापस ग्राउंड तक पहुँचेगी तब वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और जब वो मैक्सिमम हाइट पे चली जाएगी, जब डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाएगा, वहाँ पर देखो टेंजेंट इस तरफ है तो उसकी स्लोप जीरो हो गई, तो इसका मतलब वहाँ पर वेलोसिटी जीरो होगी। और ऐसे ही होता है, जब आप बॉडी को ऊपर फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट पर जाके बॉडी रुक जाती है और उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, तो ये सिचुएशन पैदा हो जाती है।
तो इसका मतलब ऊपर जाते हुए यहाँ से यहाँ तक जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो कम हो रही है, और नीचे आते हुए यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो बढ़ रही है। तो इस तरह आप कोई भी ग्राफ आपको मालूम हो तो उससे डिस्टेंस बढ़ रहा है या कम हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है या कम हो रही है, या कांस्टेंट है, या वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, ये आप उस ग्राफ की स्लोप के ज़रिए पता लगा सकते हैं और फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आज के लिए बेटा इतना है, बाकी इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में वेलोसिटी टाइम ग्राफ से शुरू करेंगे।